हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर एम अंसारी आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वक्त अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपके लिए कोरोना पर कुछ वीडियोस लेकर के आ रहा हूं और आज की जो हमारी वीडियो होगी वो भी कोरोना महामारी से रिलेटेड ही है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। पिछले की वीडियोस में मैं आपको काफी कुछ बता चुका हूँ कि किस तरीके से होम आइसोलेशन करना है, किस तरीके से अपने स्वास्थ्य की जाँच करनी है, किस तरीके से घर पर रह करके आपको इलाज करना है। इन सारी बातों के बारे में मैं पिछली वीडियोज में डिस्कस कर चुका हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रोगी को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रोगी क्या खाए, पहले हम इसकी बात करते हैं कि रोगी को क्या खाना है, फिर हम बात करेंगे कि रोगी को क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर ये समझनी है कि रोगी को घर में बना हुआ खाना खाना है, घर में बना खाना खाए, बाहर का खाना बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। गेहूं का आटा, दलिया, बाजरा, ब्राउन राइस खाए। प्रोटीन युक्त चीजें, बीन्स और दाल का इस्तेमाल कर सकता है। ताजे फल और सब्जियां, खास तौर पर खट्टे फल जैसे मौसमी, नारंगी, संतरा जरूर लें, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। पिछली वीडियो में जब मैंने इलाज बताया था तो आपको वहां पर बताया था कि आपको विटामिन सी भी लेना है। और पानी का खास तौर से ध्यान रखें, दिन में रोज 8 से 10 गिलास पानी पिए। इसके अलावा खाने में अदरक, लहसुन, हल्दी जैसे मसालों का उपयोग करें, क्योंकि ये सब चीजें जो होती हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं, तो इनका इस्तेमाल आपको खाने में जरूर करना है। लो फैट दूध व दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर होम्योपैथी दवाई ले रहे हैं तो दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। मांसाहारी लोग नॉनवेज को अलग से स्टोर करें और स्किनलेस चिकन, मछली और एग व्हाइट का सेवन करें। तो ये मांसाहारी लोगों के लिए है कि वो नॉनवेज को अलग से स्टोर करें और स्किनलेस चिकन, मछली और एग व्हाइट का सेवन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि फलों व सब्जियों को अच्छे से धोकर काम में लें और खाना कम कोलेस्ट्रॉल वाले तेल में पकाएं। तो ये कम कोलेस्ट्रॉल वाले तेल का भी ध्यान रखना है, खास तौर से ध्यान रखना है कि खाना हमें ऐसे तेल में पकाना है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो। तो ये वो चीजें थी जो मरीज को खानी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए। आइए दोस्तों अब ये जानते हैं कि रोगी को क्या नहीं खाना है, रोगी क्या ना खाए। मैदा, तला हुआ खाना या जंक फूड जैसे चिप्स, बेकरी के उत्पाद वगैरह नहीं खाना है। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि बाहर की किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। पैकेट वाले जूस और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये ठंडे होते हैं, इससे आपको खांसी आएगी और आपके श्वसन तंत्र में परेशानी होगी। चीज मतलब पनीर, नारियल, मक्खन और पाम ऑयल जैसे अनसैचुरेटेड फैट्स, इनका इस्तेमाल नहीं करना है। मटन, लीवर, फ्राइड और प्रोसेस्ड मीट, इनका भी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अंडे का पीला भाग सप्ताह में एक बार ही खाएं, इससे ज्यादा ना खाएं। अगर आप मांसाहारी हैं, अंडा खाते हैं, तो आप अंडे का पीला भाग सप्ताह में एक बार ही खाएं, इससे ज्यादा उसका सेवन ना करें। सप्ताह में नॉनवेज 2-3 बार से ज्यादा ना खाएं, एक हफ्ते में 2-3 बार से ज्यादा नॉनवेज ना खाएं, इसका भी खास तौर से ख्याल रखें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि मरीज को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आपको इस वीडियो में बहुत चीजें सीखने के लिए मिली होंगी और अच्छे से आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और दूसरे लोगों को भी इस वीडियो से बताइए, उनको ये पता चले कि क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और इसकी वजह से वो कुछ भी जो मन करता है वो खा लेते हैं और उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और दूसरे लोगों को भी इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक और नई चीज लेकर के आऊंगा और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी रोगी घर में होम आइसोलेट है और उसकी देखभाल करने वाला कोई एक व्यक्ति जो आपने लगा के रखा हुआ है, जो व्यक्ति उस COVID-19 मरीज की देखभाल कर रहा है, उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, मरीज को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।